यार हमारा ये जियो का जो फाइबर हमने लिया था ना अभी, ये थोड़ा सा नखरे कर रहा है। मतलब ये इससे असर करेगा नहीं होगा, नहीं तो मूव स्प्रे मार देंगे। बाकी आज एक कमेंट आया था सचिन रामपुरिया भैया जी का, बंदर आ गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे पंगड़ों के दिसाल भाई बैठना पड़ता है, ऐसे खेतों के बगल भाई बैठना पड़ता है। ये पहाड़ों की एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज धूप मस्त आई है, पूरी चमचमाती हुई धूप। तो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा समर्पण का दिन होता है, तो वही उसी दिन को निभाने के लिए मैं आ गया हूँ। अभी पहले आज के दिन की और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मयंक नेगी और मैं पहाड़ों में रहता हूँ, और पहाड़ों में रहने के साथ साथ ना मैं आपको इन पहाड़ों के दर्शन अपने यूट्यूब के माध्यम से भी करवाता हूँ, और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहीं पर जीता हूँ। अपना काम धंधा जो भी है सब इन पहाड़ों के बीच में ही है। तभी मैं घर से निकल गया हूँ और आज का दिन बड़ा इसीलिए होता है, मतलब आज हम पूरा समर्पण करते हैं, आज गांव के लिए एक दिन होता है हमारी तरफ से, मतलब हर किसी को ये दिन निभाना पड़ता है। तो गांव में जहाँ भी बंदर आता है ना तो लोगों को वो भगाने पड़ता है, मतलब ऐसा होता है कि सारे लोग काम करते रहेंगे और तीन चार लोगों की जिनकी बारियाँ होती हैं वो शेड्यूल वाइज चलती हैं, और जिनकी बारियाँ होती हैं वो अपने बारी के हिसाब से जाते हैं और बंदर भगाते हैं। और आज हम लोगों की बारी है, मतलब परिवार में तीन चार भाई लोग हैं तो आज हमारी बारी है, और आज हमें ना गांव के सारे बंदर भगाने हैं, तो वहां से लेके यहां तक। तो बेसिकली हम आज गांव के चौकीदार हैं। अभी मुझे ना सबसे पहले उधर वाली धार पे जाना है, वहां से देखना है कि बंदरों की सिचुएशन क्या है, कहाँ से आ रहे हैं और अभी कैसे कैसे, मतलब ऐसा तो नहीं गाँव में घुस गए हैं या कुछ कर रहे खा रहे हैं, लोगों को नुकसान कर रहे हैं, तो वो सब कुछ देखना है मुझे। और हम चार लोग हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, एक भाई यहाँ पर रहेगा, एक गांव के बीचों बीच रहेगा और एक उधर साइड रहेगा। तो मतलब जिसको भी जहाँ बंदर दिखेंगे पहले तो भगाएगा, अगर उससे नहीं होगा तो फिर हम सब लोग वहीं जाएंगे और बंदरों को भगा देंगे गांव के बाहर। मैंने वहाँ से बोला था कि मैं इस वाली धार में आऊँगा और यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ से देखो हमारे गाँव का व्यू कैसा दिख रहा, मतलब कैसा पहाड़ पर दिख रहा है, मस्त सारे। हमारा घर यहाँ पर है, सचिन लोगों का घर उधर ऊपर है, और ये मेन गाँव है और जहाँ हम सुबह जाते हैं वो वहाँ साइड पर है, और बंदर जो आते हैं ना वो यहीं नीचे से आते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि आजकल फिसलन भी है, घास भी बड़ा है, पता नहीं कहीं बहुत बड़े बड़े चट्टान है नीचे, तो इधर नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। और बंदर दिन में क्यों आते हैं, क्योंकि ना सामने हमारा स्कूल है, वहाँ पर क्या होता है कि मिड डे मील बनता है, तो बच्चे थोड़ा बहुत फेंक देते होंगे, तो बंदर ना उसी खाने को खाने के लिए जाते हैं वहाँ पर। तो अभी मैं और ओरियो ना यहीं पर रहेंगे, देखेंगे कि बंदर आ तो नहीं रहे हैं कहीं। और बंदरों को स्टार्टिंग में यहीं पे दबा दिया ना, यहीं से पत्थर फेंक फेंक के भगा दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर ज़्यादा नहीं आएंगे, मतलब आएंगे लेकिन वो भाग जाएंगे। और अगर उनका बंदरों का क्या सीन होता है, अगर लीडर भाग गया, मतलब एक आगे वाला ऐसे धोधी बंदर बोलते हैं उसको, अगर वो भाग गया ना तो उसके बाद सारे पीछे पीछे चलते रहते हैं, अगर वो ऊपर आ गया तो तब तो कुछ भी कर लो, सर एक पकड़ लो पैर पकड़ लो, लेकिन वो जाएंगे ही नहीं, तो इसलिए ऐसा होता है कि उनको दबा के रखना पड़ता है। बंदर आ गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे पंगड़ों के दिसाल भाई बैठना पड़ता है, ऐसे खेतों के बगल भाई बैठना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल का काम है। अब बंदर आते तो आदमी भागता है, दौड़ता है, उनको कॉल करता है भाई आ जाओ इधर आ जाओ, वो भी हेल्प करने आ जाते हैं। अब कुछ नहीं है, मैं लोगों को देख रहा हूँ ऐसे, लोग कोई झंगोरा काट रहा है, कोई गाड़ी को घुमा रहा है, कोई धो रहा है, कोई कोई नहा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब सर दर्द होता है। समर्पण का दिन तो अलग ही है, पर ये तो आत्मसमर्पण है भाई, ये भयंकर ही दिन हो जाता है हमारे लिए, मतलब काम अब तक तो घर में मैं एक दो कट्टे कंक्रीट कूद लेता। और यहाँ ना, और यहाँ का प्रॉब्लम क्या है, अगर ना हो ना इधर तो यहाँ पे 500 रुपया फाइन भी पड़ता है, तभी आत्मसमर्पण होता है वो, 500 रुपया नहीं होता तो कभी नहीं होता वो समर्पण। चलो आपको पूछते हैं, अगर आप लोग ऐसी जगह पर होंगे और आपकी ऐसी ड्यूटी लग जाए कि आपको बंदर भगाना है सारे गांव के, और बंदर के नाम पर कुछ नहीं है, तो आप ऐसे बैठ के मेरी तरह पेटी बजाओगे या कुछ और करोगे, कमेंट में बता दो यार, फाड़ दो कमेंट में आज की, आपने मन की बता दो आज, मतलब अगर आप मेरी जैसे एज में होते तो आप क्या करते, पेट बजाते या इधर उधर घूमने देते या पहाड़ों का दर्शन करते। और ये वाले खेत ना गांव से इतनी दूर है कि लोग यहाँ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, मतलब लोग नॉर्मली मतलब बो देते हैं, खेती कर देते हैं कि बंजर न रहे, बस होता रहे थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे सूअर ही इतने आते हैं, बंदर ही इतने आते हैं, सब नष्ट कर देते हैं, तो लोगों की भगवान पर भरोसे पर बात रहती है कि भगवान बचाएगा तो ठीक है, नहीं तो बंदर ही या सूअर ही खा लेते हैं इनको। अभी ना टाइम हो गया 11:12 और मैं पहुँच गया घर पर, बिल्कुल मतलब इतना थकान हो गई है, इतनी भयंकर धूप हो रही है ना, वहाँ पीछे भी बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था लेकिन तब भी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थकानी हो रही है, मतलब धूप इतनी भयंकर चमक वाली आ रखी है, और सामने से हल्के हल्के बादल भी स्टार्ट हो रहे हैं अभी। यार हमारा ये जियो का जो फाइबर हमने लिया था ना अभी, ये थोड़ा सा नखरे कर रहा है, मतलब ये
काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। जैसे कभी काम कर लेता है, अच्छे से काम करता है, कभी पता नहीं क्या मन में आती है, इस पर रेड लाइट ब्लिंक होती है, वैसे इस पर ग्रीन होती है और नॉर्मली इस पर रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। मैंने जियो से बोला था, उनको बोला कि हम टेक्नीशियन भेजेंगे और उनका तो भरोसा ही क्या होता, क्या ही टेक्नीशियन भेजेंगे यार। मैंने पहले ठीक किया, फिर अभी फिर से हो गया, ये पता नहीं क्या ही नकल। अगर आप लोगों को पता है बता दो यार, मतलब क्या ही होता है ये सीन। अब उससे दिक्कत क्या हो रही है, मम्मी को सजा दिक्कत हो रही है। मम्मी के फोन में रिचार्ज मम्मी के फोन में रिचार्ज खत्म हो गया। हमने बोला जब तक इनकमिंग का अभी खुला है तब तक रहने दे, रिचार्ज की क्या जरूरत, उन्हें घर पे ही रहना। मम्मी बार बार परेशान, ना टीवी देख पा रही, ना ये फोन वो कर पा रही, अब हम भी कैसे दे मतलब रिचार्ज तो अपने लिए चेयर, रात को पता चला इमरजेंसी पड़ गई तो उसके चक्कर में रिचार्ज बचाना, वो डाटा बचाना पड़ रहा, और ये ऐसे नखरे कर रहा, तो इससे मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई। अभी तो हो गया शाम का टाइम और अभी फिर से मेरी बारी है बंदर भगाने जाने की। और आज ना मेरे इस वाले पैर पे क्रैम्प आ गया, मतलब मैं जैसे ही घर पहुंचा तो फिर मेरे को फील हुआ कि इस यहाँ से ऊपर ना हल्का सा दर्द हो रहा है इस वाली हड्डी पे। और अभी माँ ने अभी मस्त चाय बना दिया और पहले चाय पीते हैं और इसके बाद निकलते हैं बंदर भगाने के लिए। तो पैर में तो हल्का हल्का दर्द फील हो रहा है मेरे को, कि मतलब कल से ना, मैं जब से रनिंग कर रहा था मतलब कल से मेरे को फील हो रहा था कि दर्द हो रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा बढ़ गया वो दर्द। मुझे लगा कि नहीं होगा उतना ज़्यादा, मैंने एक्सरसाइज करी शायद मेरे को तभी ठीक लग रहा था, मैं घर पर है अभी थोड़ा सा लग रहा है मेरे को कि दर्द हो रहा है। तो अभी एक गर्म पट्टी तो पहन ली है मैंने, देखते हैं ये इससे असर करेगा नहीं होगा, नहीं तो मूव स्प्रे मार देंगे। हमारे भैया जी देखो प्रसाद भी लेके आ गए हमारे लिए, ऊपर पूजा थी तो हमेशा भैया जी का यही वो है, मतलब जाते जाते सबको प्रसाद दे के जाते हैं। एक पत्ता भी लाओ, एक पत्ती भी लाओ, आप प्रसाद भी देंगे तो हो गई पूजा। हाँ। हमारे बाबा के लिए प्रसाद भी देंगे। सही बात है। ये आगे पिठाई और रखा हुआ है प्रसाद। और मेरे साथ आज जो बंदर भगाने वाले थे दो, तो ये हैं, ये भी आ गए हैं, अभी यहीं पर बैठे हुए हैं। ये है सुमित, हमारे प्रॉपर व्यूअर हैं ये। हेलो। सुबह ये ना उस साइड गए थे इसलिए मुझे मिले नहीं, और मैं इस साइड था। बंदर भगाने के बाद ना हमें गांव में हाजिरी भी लगानी पड़ती है, मतलब गांव में जाना उसके बाद वहां पे हाजिरी लगानी है। और अभी हम लोग भी आ गए अपने डिनर के लिए। और आज मम्मी ने क्या बनाया पापा, आज आप बोलो। आज कुछ बोलने लायक नहीं है। आज मम्मी ने बनाया दाल बनाई है, रायता बनाया, आलू को फ्राई किया और उसके बाद ना मम्मी ने सब्जी बनाई है, तो आलू की सब्जी है, दाल है और रायता है। बाकी आज एक कमेंट आया था सचिन रामपुरिया भैया जी का, तो वो बोल रहे थे कि मतलब आप कमेंट में नाम लिया करो कि हमें मतलब अच्छा लगता है, तो वो एक्चुअली क्या सीन होता है पापा, क्या मतलब लेना चाहिए नाम? थैंक्स करना चाहिए। हाँ थैंक्स तो लिख के भी कर सकते हैं। नहीं क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं और काफी सपोर्ट करते हैं। एक बार उनका कॉल आया था और दिल से आपका धन्यवाद है कि आप वीडियोस देखते हैं, आप इतना सपोर्ट करते हैं। सच में आप अभी वीडियोस पे कम व्यूज हैं लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन सीन क्या होता है, मतलब हम कमेंट पर मतलब तो वीडियो में नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि होता है ऐसा कि बहुत सारे कमेंट होता है, आप किसी का प्रॉपर नाम लो, कभी व्यूज ज़्यादा, शायद अगर वीडियो आगे बढ़ जाएंगे व्यूज ज़्यादा आ जाएंगे तो उसमें वहाँ पर दिक्कत ये होता है कितने लोगों का नाम लेके वो करेंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पर वीडियो जाकर ना सब लोगों को थैंक्स कर देता हूँ, मतलब कमेंट में जाकर सब लोगों का थैंक्स कर देता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नाम नहीं लिया, तो लेकिन आप जब भी मिलोगे, आप हमारे सब लोग इतने प्यारे लोग हो, आप हमारी फैमिली के मेंबर हो, एक यूट्यूब फैमिली है हमारी, उसके मेंबर हो, तो ऐसा कभी बुरा मत मानिएगा कि मतलब नाम नहीं ले रहा, वो आप लोग हमारे फैमिली मेंबर हो। सचिन रामपुरी को मेरा विशेष निवेदन है, आप इस वीडियो को देखते रहे, वो बहुत फैन है, मुझे पता नहीं, बहुत फैन है वो। तो अभी धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज का कुछ ऐसा दिन था, ऐसा कुछ रहा हमारा ब्लॉग, करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, करते हैं आज के इस दिन को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।